अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा बारात ब्राइडल मेकअप लुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और मिनरल बेसिस को यूज़ करते हुए हम इस लुक को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आप जो मेरे मॉडल है उसका बिफोर लुक देख लो। ये इनकी स्किन है, स्किन पर आपको थोड़े थोड़े पैचेज जो है वो फील हो रहे होंगे, इनको हम हाइड करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है मून टच का 24K गोल्ड सीरम, बहुत अच्छा है बिफोर मेकअप या रेगुलर रूटीन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए भी, इसके अलावा एजिंग साइंस को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर और फिर हम इसको स्किन को छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके ऊपर मेकअप करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एवलाइन की एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देती है और मैं अपनी डेली रूटीन में स्पेशली विंटर्स में मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। इससे स्किन जो है ना वो अच्छी रहती है, स्किन जो है वो फटती नहीं है, ड्राई नहीं होती, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में स्किन का हाल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे जी मॉइस्चराइजर लगाते लगाते फील हुआ कि मूछें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैंने कहा मैं पहले अपर लिप्स कर लेती हूँ, वरना वो मेकअप के दौरान पता है आपको फील होती हैं, बुरी लगती हैं अपर लिप्स डार्क, तो मैंने फिर अपर लिप्स कर ली। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैबेलिन की जो है ना वो मैटिफाइंग पोरलेस प्राइमर था ट्रांसपेरेंट, इसके अलावा आप यहाँ पर रिवाज का मैटिफाइंग पोरलेस प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा ऐसे चाहिए जेल फॉर्म में, ताकि आपके जितने भी पोर्स हैं या बम्पी स्किन है वो ब्लर हो जाए और आपकी स्किन कैनवास जो है ना वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसको फिंगर के साथ इस तरह से अप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद भी आपने 2-3 मिनट स्टे करना है, उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास मून टच का कलर करेक्टर था ऑरेंज कलर, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर है इसका, इजी टू ब्लेंड है और मज़े की बात यह है कि अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसके अंदर मिल रही है, मतलब आप अगर प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी लेते हो ना तो बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा देर चलेगा आपके पास। अच्छा, स्क्रीन पर ही मैं साथ साथ नंबर मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर ऊपर साइड पर भी और नीचे भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मून टच के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इन्हें ऑर्डर पर मंगवा सकते हो। आजकल स्पेशल इनके ऊपर जो है ना वो डिस्काउंट लगा हुआ है 12-12 सेल में और 18 तारीख को ये सेल जो है ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो आसमा10, जिसको यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मून टच की सारी रेंज पे। अच्छा जी, तो अभी हमने जो कलर करेक्टर अप्लाई किया था उसको हम मून टच के ही लूज पाउडर के साथ फिक्स करेंगे और फिर एक्स्ट्रा जितना भी पाउडर है वो सारा का सारा हम लोग जो है वो डस्ट आउट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मून टच की ही जो है ना हांडी बेस है, इसमें 45 नंबर है जो कि येलो स्टोन में होता है और आपको पता है कि ये कलर नॉर्मली हर स्किन टोन पर चल जाता है। इसके साथ हम पहले फिंगर के साथ थोड़ी थोड़ी बेस लेके पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो ब्लेंड आउट करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती चलूँ कि लिक्विड फाउंडेशन होते हैं ना उनकी निस्बत ये स्टिक फाउंडेशन को या हांडी बेसिस को ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जहाँ पर आपको लिक्विड फाउंडेशन को ब्लेंड करने में 5 मिनट लग रहे हैं, वहाँ पर आपको इस हांडी बेस को ब्लेंड करने में 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन इसकी कवरेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड फाउंडेशन की निस्बत और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और ज़्यादातर जो है ना ब्राइडल्स को रेडी करने के लिए इस तरह की कवरेज वाली फाउंडेशन ही यूज़ की जाती हैं जो कि आपके स्किन को एकदम से 3-4 टोन जो है वो लाइट ले जाएँ, ठीक है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैप करेंगे और फिर स्किन को अच्छे से डैप करके स्किन के साथ जो है वो इसको एडजस्ट कर देंगे ताकि बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद जी मेरे पास यहाँ पर मून टच की ही मिनरल बेस है और मैं अपनी लाइफ में पहली बार मिनरल बेस यूज़ करने वाली हूँ और ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के सामने ही जो भी होगा, ठीक है। इसके अंदर हम पानी की क्वांटिटी ऐड करेंगे थोड़ी सी और फिर हम इसको मिक्स करके मिक्सचर बनाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड कर दोगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि आपका जो ये मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। अच्छा, अभी मिनरल बेसिस को अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लफी ब्रश चाहिए होगा, मतलब फ्लैट हो लेकिन थोड़ा सा फ्लफी ब्रश हो ताकि आप इसको ईजिली अप्लाई कर सको, लाइक पेंट की तरह आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसको जो है वो ब्लेंड आउट करना स्टार्ट करोगे एंड मेक श्योर कि आप जो है ना जल्दी जल्दी इसकी एप्लीकेशन करो और जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड आउट करो, वरना ये जो है ना ये वहीं पर चिपक जाती है बेस अगर आप बहुत ज़्यादा स्लोली काम कर रहे हो तो। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, इसको थोड़ा सा डैम्प करना है और इसके साथ आपने डैप करके इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करना है एंड यकीन करें इतनी मज़े की बेस बनती है इसके साथ, बहुत मज़े की बेस बनती है फुल हाई कवरेज के साथ। और जब तक आप फेस वॉश नहीं करोगे ना ये टच से मस भी नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इस बेस को बनाना लेकिन बहुत अच्छी बेस बनती है और मून टच की प्रोडक्ट्स वाकई ही अमेजिंग है, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। और इसके अंदर से ही F1 शेड था हांडी बेस में, उसको मैं एज अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अब मिनरल बेस बनाने के बाद ऊपर कंसीलर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले इसको कंसीलर को अप्लाई करेंगे उसके बाद आप पेंट बेस अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आइज़ के ऊपर हम जो है वो कोई भी थिक बेस अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आइज़ के ऊपर जितना हो सके लाइट वेट जो है वो कोटिंग करनी चाहिए ताकि आपका आइज़ मेकअप जो है वो
इजीली स्टे कर सके। तो मैंने इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई किया, उसके बाद मून टच का ही मैंने लूज पाउडर लिया और उसको हम बहुत अच्छे से स्किन के साथ जो है वो एडजस्ट करेंगे स्किन को डैप डैप करके, ताकि हमारी बेस जो है वो वहीं पर एज इट इज़ फिक्स हो जाए। अच्छा, स्क्रीन पर मैं साथ साथ नंबर मेंशन कर रही हूँ, ये दो नंबर है मून टच के, आप इन दोनों में से किसी पर भी कॉन्टैक्ट करके जो है ना इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर पर मंगवा सकते हो और इनकी जो 12-12 सेल है वो 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो उस सेल से तो आप लाजमी इनकी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो और 18 तारीख के बाद आप मेरा डिस्काउंट कोड है ASMA10, आप इस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो इनकी सारी रेंज पे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके। इसके अलावा अगर आप लाहौर से हो तो आप इनकी शॉप पे विजिट कर सकते हो, ठीक है, इनके नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनकी शॉप का एड्रेस ले लो और आप इनकी शॉप पे विजिट कर सकते हो। और इनका ही कॉन्टोर था क्रीमी कॉन्टोर, जिसके साथ हम बहुत अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे ताकि फेस जो है वो नेचुरली लाइक एक होता है पाउडर कलर के साथ कॉन्टोर करना जो कि बहुत लाइट सा लगता है, एक होता है अंडर बेस कॉन्टोरिंग करना उसके साथ बहुत ज़्यादा लुक चेंज होती है। अगर आप इन दोनों को कभी लाइव करके देखो तो आपको वाजह फ़र्क फील होगा एक पाउडर कलर के साथ कॉन्टोर करने में और क्रीमी कलर के साथ कॉन्टोर करने में। चलते हैं जी आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है मुसर्रत मिस्बा का आईब्रो पैलेट, जिसके साथ हम अपने आईब्रोज़ को शेप देंगे। तो आईब्रोज़ को भी हमने अच्छा खासा जो है वो फिल करना है, बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज टाइप हमने इसको लुक नहीं देना, लेकिन हमने प्रॉपर शेप करनी है इसकी, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइडल मेकअप में सब कुछ है वो थोड़ा हैवी हैवी करके जो है वो लगाया जाता है। हैवी का मतलब ये नहीं है कि आप बस थोपते जाओ, उसके अंदर ब्लेंडिंग होनी चाहिए ताकि वो ओवर ना लगे, ठीक है। कलर्स आप अपनी मर्जी के अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ब्लैक कलर लगाओ, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल, जो मर्जी कलर लगाओ, कलर्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छी और उतनी ही नीटनेस जो है वो आपके मेकअप में आएगी और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे सब लोग। सो इसी तरह से मैंने पहले ट्रांजिशन शेड लिया पीच कलर में, आईज को कंटूर किया, फिर मैंने थोड़ा डार्क कलर में रेड सा कलर लिया, उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड किया। अब मैंने और ज़्यादा थोड़ा डार्क कलर लिया है मेहरूनी शेड में और इसके साथ मैं इसको और ज़्यादा जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी। इससे ये होगा कि हमारा डार्क कलर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा आईज़ के ऊपर और हमारा आईज़ जो है वो लाइक बुरी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक कलर जो है वो पकड़ के बस थोप दिया आईज़ के ऊपर, इसमें जो है ना आपकी ब्लेंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया, उसको मैंने पहले थोड़ा जो है वो डैब डैब करके अप्लाई किया कॉर्नर में थोड़ा सा, फिर मैंने आईज़ को स्ट्रेच किया अपर साइड से भी लोअर साइड से भी और मैंने इस ब्लैक कलर को ही बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट किया दोनों साइड पर। और जैसा कि आपको पता है कि रात की जो ब्राइडल होती है ना, ये एक सिग्नेचर लुक होता है ये वाला, जो कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ज़्यादातर ब्राइडल्स पर जो है ना वो यही लुक किया जाता है और लाइक भी यही किया जाता है, खूबसूरत भी यही लगता है। लेकिन इस लुक को क्रिएट करना जो है ना वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रेड कलर की लाइन लगाई कॉर्नर में, एक ब्लैक कलर की लाइन लगाई और ग्लिटर लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अलग-अलग लकीरें खींची हुई हैं इसके ऊपर, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। दुल्हन जो है ना वो प्यारी लगने की बजाय और ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है, ठीक है। तो आपने कलर्स को मतलब यूज़ करना है, उनके साथ खेलना है, लेकिन इस तरीके से कि उनके अंदर सफाई रहनी चाहिए, नफासत रहनी चाहिए। और यहाँ पर जी मैं अपने ब्रांड का ही सीलर अप्लाई कर रही हूँ और सीलर आपने इतना सा अप्लाई करना है कि जस्ट आपने 1 ड्रॉप लेना है और उस 1 ड्रॉप को आपने दोनों आइस पे एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ड्रॉप आप एक ही आइस पे लगा दो, और पहले आपने एक आइस पे अप्लाई करना है, उसको ग्लिटर के साथ फिक्स करना है, फिर आपने दूसरे आइस पे जाना है। अगर आप दोनों आइस पर जो है वो ग्लू अप्लाई कर दोगे और फिर पहली आइस पे जाओगे ग्लिटर लगाने, तब तक दूसरी आइस का ग्लिटर सॉरी ग्लू जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गई होगी, इससे कोटिंग होगी बहुत ज़्यादा। जब आप दोबारा पर ग्लू लगाओगे तो फिर चांसेस हैं कि आपका ग्लिटर जो है ना वो इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है, अगर आपको लगता है ऐसे कि आप ग्लिटर लगाया आपने तो वो फॉल आउट हो गया है, तो इसमें प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है, आपने उसको सही तरीके से यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काशिश का ही लिक्विड लाइनर था, जिसके साथ हम प्रॉपर विंग लुक में लाइनर अप्लाई करेंगे। और बहुत मज़े का हमने जो है ना हाई विंग वाला लाइनर जो है वो अपने मॉडल को अप्लाई किया है। आज के अंदर हम व्हाइट जेल लाइनर अप्लाई करेंगे। अब बारी आती है जी हमारी लैशेस की। तो यहाँ पर मेरी जो अपनी ब्रांड की लैशेस हैं उसमें मेरा सिग्नेचर आर्टिकल है, जो कि मैं ब्राइडल्स को अप्लाई करती हूँ, सैटरडे आर्टिकल। बहुत मज़े का और हैवी 3D लैशेज हैं ये, अवर नहीं लगते क्योंकि रियल मिंक है, तो इसमें कोई अवर वाला सीन नहीं है। तो ग्लू लगा के इसको साइड पर रख देंगे, तब तक बाकी का थोड़ा सा काम कर लेंगे। ब्लशिंग के लिए मैं मिस रोज़ के 2 कलर्स मैंने परचेज करके रखे हुए हैं, एक 8 नंबर है, एक 11 नंबर है। दोनों को मिक्स करके या फिर कभी कभी डार्क वाला कलर मैं यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइडल्स पर या अपने सिग्नेचर लुक्स में। बहुत मज़े का शेड है और बहुत ज़्यादा सस्ता सा ही, आपको पता है मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर मेरी लैशेस बिल्कुल प्रिपेयर हो गई थी, तो मैंने सोचा इन्हें पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर चलते हैं जी हाइलाइटर की तरफ। तो यहाँ पर जो मेरे पास है अनस्ताशिया का हाइलाइटर, बहुत ही मज़े का हाइलाइटर है ये, मतलब इतने पिगमेंटेड और इतने मलाई जैसे इसके कलर्स हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता ये अप्लाई करने के बाद कि आपने कुछ अलग से अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल मज़े की ग्लोसी मिरर लाइक फेस जो है वो आपका इसके साथ लगता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है हाइलाइटर,
ये मैंने 12,500 रुपये में परचेज़ किया था, लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ अगर आपको अच्छी मिल रही है ना तो वो एक्सपेंसिव भी है, तो आपको ले लेनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। क्योंकि अगर इतना मज़े का लुक आप ब्राइडल को करके दोगे, एक ब्राइडल जाएगी तो वो 10 ब्राइडल्स आपके पास लाजमी भेजेगी, क्योंकि आपने उसको इतना मज़े का लुक क्रिएट करके दिया है, ठीक है। और कुछ बात होती है जी आपके हाथों की सफाई की, तो आपने बहुत कोशिश करनी है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और डेली की जो है ना एक लुक लाजमी क्रिएट किया करें, ताकि आपके हाथ जो है वो आपके मेकअप पर सेट हो जाएँ। और यहाँ पर गैबरिनी की लिप पेंसिल थी जिसके साथ मैंने अपने लिप्स को शेप दी, और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो गैबरिनी का ही लिप ग्लॉस है, ये भी आप उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो जो कि मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया। गैबरिनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारी उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है ना वो मंगवा सकते हो। और प्रॉपर लिप्स की शेप, लिप की शेप बनाना भी बहुत जो है ना एक टास्क है, मतलब 10 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं लिप की शेप बनाने में, एक अगर आप एग्जैक्टली मज़े की शेप बनाना चाहो। और यहाँ पर जी सिवाना का मेरे पास हाइलाइटर था, नेकेड हाइलाइटर, इसको मैं लास्ट पर थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ अपने हाइलाइटर पार्ट्स पर, इससे और ज़्यादा बल्बी लुक जो है ना वो आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हाइलाइटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत कमाल लगता है हाइलाइटर फेस। सो यहाँ पर जी फाइनल लुक जब आप लोगों के सामने है, अब जी मॉडल को ज्वेलरी पहना लेते हैं। तो ये खूबसूरत सी ज्वेलरी, बिल्कुल काशी स्टाइल ज्वेलरी जो है ना, ये मुझे स्पॉन्सर की है एक इंस्टा पेज ने जिसका नाम है मकिया कलेक्शन। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा 03206003225, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इस ज्वेलरी को मंगवा सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी ज्वेलरीज हैं जिनको आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, और अगर आप मेरा नाम लेके उनसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो आपको डिस्काउंट भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लाजमी से ज्वेलरी ऑर्डर करें, घर बैठे आप अच्छी क्वालिटी वाली ज्वेलरी ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। और जो ये खूबसूरत सा लहंगा जो कि मेरे मॉडल ने कैरी किया हुआ है, टेल वाला लहंगा, ये मुझे स्पॉन्सर किया है एक इंस्टा पेज ने जिसका नाम है फैशन गैलरी, और इसका इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 03217418200, ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इस ड्रेस को ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी रेंज इनके पास अवेलेबल है, आप रेंट पे ड्रेसेस भी ले सकते हो इनसे ऑर्डर करके। अगर आप मेरा नाम लेके इनसे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट भी देंगे, और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगी, तो आप घर बैठ के अच्छी क्वालिटी वाली ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ है वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। बस आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लेना है। वैसे मैं आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर साथ साथ नंबर मेंशन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया होता है, क्योंकि समटाइम्स नज़रों के सामने से गुजर जाती है वो चीज़, हमें पता नहीं होता। तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, आपको हर चीज़ वहाँ पर डिटेल में नज़र आ जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और इसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और जो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि मून टच की प्रोडक्ट्स लाजमी ट्राई करना, इतनी कोई मज़े की इनकी बेसिस है ना, मतलब ब्राइडल के लिए तो एकदम झकास है। और अगर आपको हैवी मेकअप पसंद है, आप हैवी लुक्स क्रिएट करते हो, या आपकी जो ऑडियंस है या आपकी जो कस्टमर्स हैं उनको भी हैवी लुक्स पसंद है, तो आप उनके ऊपर ये बेसिस जो है वो जब बनाओगे ना तो वो इतना खुश हो जाएंगे कि वो हमेशा आपके ही होके रह जाएंगे। तो जी आपका जो ये लास्ट 2 डेज चल रहे हैं इनके डिस्काउंट के मून टच पे, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आसमा 10 कोड यूज़ करके इनसे डिस्काउंट ले सकते हो, तो लाजमी इनकी प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।